वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघवत आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने तीन चीजें देखी थी, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन एंड ग्लॉसिनेस। ग्लॉसिनेस को अपन ने व्यू पोर्ट पे इस तरीके से देखा था, समझा था, और ऑब्जेक्ट की जी एक्सिस से हमारी इमेज को मैच करने के लिए हमने यूवीडब्ल्यू मैप कोऑर्डिनेट यूज किए थे। ठीक है, अब इसे मैं एक बार हटा देता हूं इन फेसेस, या फिर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने एक और, हम एक और प्लेन बनाएंगे। ऑटोग्रिड हमने बताया था, ऑटोग्रिड बेसिकली ऑब्जेक्ट के सर्फेस पे बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, ओके, स्केल, ओके, ओके। अब अपन देख रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग चीजें हैं। रिफ्लेक्शन में बेसिकली मेरी लाइट से कोई भी रेज आती है, टकराती है और वापस से रिवर्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन बेसिकली टकराती है, अपना एंगल चेंज करती है और इसके पार हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ाई होगा बचपन में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अगर बचपन बहुत पीछे रह गया तो कोई बात नहीं, हम वापस से आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन लाइट पार करने के लिए, अभी मैं इसके आर पार नहीं देख पा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे रेस टकरा के वापस मेरे पास आ रही है। ठीक है, और मैं आर पार कब देख पाऊंगा, जब लाइट इसके पार हो जाएगी, सी थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए तो हमने स्टैंडर्ड की जगह हम वीरे ले लेते हैं, डिफ्यूज। रिफ्लेक्शन के लिए हमने इसे वाइट किया था, साइन किया था, तो इस पर शाइन आना चालू हो गई थी, लेकिन इस बार मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस बार इस पर रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे मैं रिफ्रैक्शन बढ़ाऊंगा, मेरा ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये रिपोर्ट पे दिख रहा है। रिफ्रैक्शन को सही से हम रेंडर में समझेंगे, लेकिन एक बार मैं रिफ्रैक्शन बगैर रेंडरिंग के समझा रहा हूं, इसको समझाए बाद हम रेंडरिंग करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको अभी अलग से ही समझा रहा हूं। रिफ्रैक्शन जैसे जैसे अपन वाइट करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और जब मैंने इसे कंप्लीटली वाइट कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली ओपेक नहीं हो जाएगा, गायब नहीं होगा, ओपेसिटी इसकी डाउन नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये अभी भी यहां एग्जिस्ट करता है। दो चीज है, भगवान है और भगवान नहीं है, तो भैया छोड़ो इस चीज को, बेकार की चीज है। हम तो सिंपल सी चीज समझते हैं कि दो चीज होती है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, और एक एग्जिस्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, क्योंकि ओपेसिटी अलग चीज है, उसे भी समझाऊंगा, इसलिए रिफ्लेक्शन को इस तरीके से बता रहा हूं कि ये एग्जिस्ट है, ये कंप्लीटली ओपेक नहीं है। ठीक है, ओपेसिटी अलग है और ट्रांसपेरेंसी अलग चीज है। ठीक है, तो अभी हमने इसे सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है रिफ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, रिफ्रैक्शन मैंने कहा था, रिफ्रैक्शन में बेसिकली रेज जाती है और अपना डायरेक्शन चेंज करके पार हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मिरर ग्लासेस में होती है, ग्लास हो गए, डायमंड हो गए, और किसी भी तरह के क्रिस्टल्स हो गए, बेसिकली उनमें रेज जाती है और अपना एंगल बदल लेती है, कहीं कहीं फ्लिप भी हो जाती है, किसी में आप देखोगे अपना चेहरा उल्टा भी दिखाई देगा, बाहर की चीज भी दिखाई देगी, आर पार भी हो जाएगा, तो उन सारी चीजों के लिए हम रिफ्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, डिफ्यूज पे एक चीज बताई थी मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, टेक्सचर लेना है तो डिफ्यूज पे हमने बिटमैप लिया और मैंने टेक्सचर लिया, असाइन एंड शो किया, मुझे यहां दिखने लगेगा। सेम यही चीज जहां जहां मेरे ऑप्शन बॉक्स है, चेक बॉक्स है, वहां यूज कर सकता हूं। रिफ्लेक्शन 100% है, नहीं है। अब मैंने काम किया, यहां से मैंने लिया चेकर। ठीक है, बिटमैप ना लेके मैक्स के कुछ मटेरियल बने हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट, हमने उसे यूज किया चेकर। ओके, चेकर क्या कहता है, कुछ जगह ब्लैक लगेगा, कुछ जगह व्हाइट लगेगा। मैंने इसे शो किया,
कुछ जगह ब्लैक आ गया, कुछ जगह व्हाइट आ गया। जैसे ही मैं कोई इमेज या कोई मैप लेता हूं तो मैं मटेरियल उसके अंदर आ जाता है, उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है। अगर मैं अपना डिफ्यूज देखूं फ्लोर का, ये रहा मेरा फ्लोर, जैसे ही यहां मैंने मटेरियल लिया था ये टेक्सचर, तो हम इस टेक्सचर के कोऑर्डिनेट्स में आ गए। हम आ तो गए लेकिन वापस पीछे कैसे जाएंगे? मुझे वापस से डिफ्यूज, स्पेकुलर, ग्लॉसिनेस, रिफ्लेक्शन, वो चीजें चाहिए, तो वो सब कहां गए? तो वो मुझे वापस से बैक जाना होगा। बैक कैसे जाएंगे? मेरे पास ये आता है गो टू पेरेंट, ठीक है, गो टू पेरेंट, हम वापस अपने बेसिक पैरामीटर्स पे आ गए और यहां हम इमेज के कोऑर्डिनेट्स पे आ गए, ठीक है। बैक सेम चीज हमने इसके अंदर रिफ्रैक्शन पर एक इमेज ली है, हम इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स पे आ गए और हमें ये यहां पर दिखाई दे रहे हैं, शो एंड अनशो, ठीक है। बैक और मैंने फाइनल रिजल्ट देखना है तो फिर से मैंने किया शो, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में ये मुझे क्या दिखा रहा है? फिलहाल व्यूपोर्ट पे नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं अगर इसे रेंडर करूं तो कुछ पार्ट पे मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है और कुछ पार्ट पे मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। और साथ के साथ जो मैंने कहा था रेज का डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो यहां मेरे हिसाब से ब्लैक इतना है और फ्लोर इतना है, पर इस ट्रांसपेरेंट एरिया में फ्लोर मुझे हल्का सा नीचे डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसने रेज का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। और उसी पार्ट को इसने ट्रांसपेरेंट किया जिस पार्ट पर मेरा व्हाइट चेकर था, जहां ब्लैक चेकर था वहां ऑब्जेक्ट को इसने ट्रांसपेरेंट नहीं किया, ठीक है। डिफ्यूज, अभी ग्रे कलर का ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट में वुडन शेड में आए, तो डिफ्यूज पे आपको मटेरियल लेना है, बिटमैप लेनी है, जो टेक्सचर आपको लगाना है आपको वो लेना है, साइन रेंडर करके देखना है शिफ्ट क्यों, यहां आपको वुडन दिख रहा है और यहां आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। डिलीट होगी, हाँ ठीक है। अब अभी हम कौन से कोऑर्डिनेट्स में हैं? हमारे डिफ्यूज के कोऑर्डिनेट्स में। मुझे चेकर में जाना है चेकर के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने के लिए, तो गो टू पेरेंट जाना ही होगा, देन आपको रिफ्रैक्ट के कोऑर्डिनेट्स में आना होगा। अब वापस से आपको डिफ्यूज में जाना है तो बैक करके आपको डिफ्यूज में आना पड़ेगा, फिर से बैक करना है तो बैक करके आपको रिफ्रैक्शन के कोऑर्डिनेट्स में आना पड़ेगा, ठीक है। बस इस कॉम्पैक्ट मोड का यही प्रॉब्लम है कि आप एक इमेज के कोऑर्डिनेट्स में जाने के लिए आपको बार बार बैक करना होता है। और स्लेट मोड में आपको ये फायदा है कि आपने जितने ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल बनाया है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट लेआउट चार्ट सेलेक्ट बाय मेट पी एक पिक ये आ गया, ठीक है। बस इसमें आपको ये फायदा है आपको जिस इमेज कोऑर्डिनेट पे जाना है आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके कोऑर्डिनेट्स में आ सकते हैं, डायरेक्टली इधर कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं, ठीक है। आपको इस इमेज को रिफ्लेक्शन से जोड़ना है जोड़ दिया, आपको डिफ्यूज से जोड़ना है ये उठाया इधर रख दिया, इसको उठाया इधर रख दिया, आपको बम्प से जोड़ना है बम्प पे रख दिया, आपको रिफ्रैक्शन ग्लॉसिनेस से जोड़ना है जोड़ दिया, तो यहाँ ये आपको एक अच्छा वर्क स्पेस मिलता है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा फास्ट काम कर सकें, ठीक है। इसको भी अपन समझेंगे लेकिन एक बार पहले बेसिक मोड भी हम समझ लेते हैं कॉम्पैक्ट, जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम स्लेट में चले जाएंगे, ठीक है, तो वर्किंग थोड़ी फास्ट हो जानी है। फिलहाल ये चीज क्लियर आ गई, हम जहां पे भी चेकर बॉक्स लिखे हैं वहां पे मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्स में गए, चेकर में आ गए, चेकर लिया था इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, बिल्कुल। अब ब्लैक में अपन को कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ब्लैक का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, जहां व्हाइट था वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। मैंने टाइलिंग बढ़ाना है 5x5 रेंडर करके देखा और अब इसकी टाइल ज्यादा हो गई, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी चीज है टाइलिंग, हम व्यू पोर्ट पे हर चीज नहीं दिखाई देगी आपको, शेडिंग नहीं दिखाई देगी, ये रियल टाइम रेंडरिंग नहीं कर रहा है, हमने प्रोडक्शन रेंडरिंग ली है, एक्टिव शेड नहीं लिया है,
ठीक है, हम जीपीयू रेंडरिंग नहीं करते, जीपीयू एक्टिव शेड में आपको रियल टाइम सारी चीजें दिखाई देती है, अदरवाइज हम प्रोडक्शन रेंडरिंग ली है तो आपको रेंडर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चेकर जहां जहां है वहां वहां अपेसिटी आएगी। अब आप देखना चाहते हो कितनी आई तो चेकर में जाके इसे शो कर लो, आप दिख जाएगा यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाइट व्हाइट जगह ऑब्जेक्ट गायब है। ठीक है, बैक, ओके, क्लियर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड ग्लॉस डिफ्यूज। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्लॉसीनेस वगैरह करेंगे, क्योंकि ग्लॉसीनेस के लिए हमें साथ में रेंडर करना होगा, ग्लॉसीनेस के साथ में हमें सब डिविजन समझने होंगे, और साथ ही हम समझेंगे कांच कैसे बनाते हैं, मिरर कैसे बनाते हैं, वो हम रेंडर करके देखेंगे तभी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो वो चीज अपन करेंगे नेक्स्ट में, और जो भी कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।